बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है खड़ा धनिया, सौंफ, ज़ीरा, शाह ज़ीरा, जायफल, जावित्री, लाल खड़ी मिर्चें हैं, काली मिर्च, पत्थर के फूल जैसे दगड़ फूल भी कहते हैं, अनारदाना, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल है और तेज़पत्ता। इन सब मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद से इसे हम पीस लेंगे, पीस के पाउडर बना लेंगे और पाउडर बनाने के बाद से ये जो हमने अलग से ले लिए हैं आलू बुखारे हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ते के टुकड़े कर लिए हैं और काली मिर्च, इन्हें हम पाउडर बनाने के बाद से मिक्स करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारे मसाले इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर ले लिया है धनिया, सौंफ, ज़ीरा, शाह ज़ीरा, जावित्री, जायफल, इसे हम आधा लेंगे, इसे टुकड़ा कर लेंगे, पत्थर के फूल, काली मिर्च, लाल खड़ी मिर्चें, अनारदाना, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग, तेज़पत्ता, इन सबको पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस पे पैन चढ़ा लिया है, पैन अच्छे से पहले गरम कर लेंगे। पैन अच्छे से गरम हो गया है, उसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। हमें आधा जायफल चाहिए था, हमने तोड़ लिया है। अब हम मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे भुनेंगे। एकदम से मसाले हमें जलाने नहीं हैं, फिर इसे रोस्ट करना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसालों की। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और अभी से हम निकाल कर पहले ठंडा कर लेंगे। मसालों को पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे पीसेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, इसे हमने मिक्सी जार में डाल लिया है। अब हम इसे पीस के पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर हमने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। इसके अंदर हम अदरक का पाउडर, नमक, लहसुन का पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें। यानी बनाते वक्त हम पीस के भी डाल सकते हैं। हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे एक बार और चला लेंगे। इसे चलाकर हमने एक बार और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें सारे मसालों को डाल लेंगे, उसे थोड़ा सा फैला लेते हैं। नमक, अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर डालना इसमें ऑप्शनल है। नमक डालने से ये ज़्यादा दिन तक रहता है। अब इसके अंदर हम जो ये ले लिए थे मसाले, अलग से जो खड़े मसाले हैं, इन्हें मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा बन करके तैयार है। अब हम इसे एयर टाइट डब्बे में रख देंगे। इसे ठंडा करके हम किसी डिब्बे में आराम से इसे ऐसे रख देना है स्टोर करके। बिरयानी मसाला हमारा बन करके तैयार है। बिरयानी मसाला हमारा बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।